क्योंकि मैंने तो चार दिन पहले ही त्रिपुरा में मेरे जो चार जिला है उसके लिए 50 लाख एमपीलैड फंड से दवाई के लिए डॉक्टर का किट्स वगैरह जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने दिया हूँ। तो आज प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ हमने दिया है एमपीलैड फंड से, और मेरे जो 1 महीने का सैलरी है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया हूँ। जैसे मेरा हमारी नोडल ऑफिसर डीएम है, डीएम के पास से देने के लिए हम लोगों को बोला गया है, इसके लिए डीएम के पास उसको देने के लिए आई हूँ। लोगों के पास मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बात रखा है, जो बात उन्होंने बोला है हम लोगों को मानने के लिए, हम लोग प्राइम मिनिस्टर को बात को मानेंगे, एक एक बात को हम मंत्र की तरह उसको मानेंगे और हम जिएंगे। अपना कर सुरक्षा करेंगे तो दूसरों को हम रक्षा कर सकते हैं। लोग जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। तो हम सोशल डिस्टेंस के बारे में जो बात बताया मेरा प्रधानमंत्री ने, हम प्रधानमंत्री का बात पूरी तरह मानेंगे। और नवरात्रि चल रहे हैं, से एक संकल्प हमारा प्रधानमंत्री हम लोगों को दिया है 21 दिन का, आज 4 दिन हो गए हैं और भी बाकी दिन हम मानेंगे। तो संकल्प जो दिया है, संकल्प से हम सिद्धि लाभ करेंगे। पूरा भारत कोरोना से हम लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग जीतेंगे, कोरोना हारेगा। और दोबारा मैं बताती हूँ, जो प्रधानमंत्री बोला है उसको बात को मानना है, प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं है, मेरा एक गार्डियन के तौर पे मानने के लिए उन्होंने बोला है। अभी हम लोगों को रक्षा करने के लिए खुद को आगे आना है, खुद को समझना है। जो सोशल डिस्टेंस ओनली वन उपाय है, उसके लिए हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। बिना ज़रूरत के हम घर से नहीं निकलना है, और हम जो भी ज़रूरत हो सप्ताह में एक बार निकलना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, उसको अवॉइड करना है, तब हम जीत सकेंगे। सबको शुभकामनाएं देती हूँ। जितना पत्रकार है, हमारी डॉक्टर है, पैरामेडिकल है, और हमारी जितने भी आरक्षा दफ्तर का कार्यकर्ता है, सबको मेरे तरफ से सश्रद्ध प्रणाम। आप लोगों ने अपना जान को हाथ में रख के कुछ चिंता ना करके सबको कैसे ट्रीटमेंट देना है, किसको जैसे अवेयरनेस करना है, रक्षा करने के लिए आप लोग आगे आए। आप सबको बहुत बहुत मेरे तरफ से कृतज्ञता और मेरे प्रणाम।